નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો દી બ્રેકિંગ ન્યૂઝ. જોઈએ આજના મહત્વના સમાચાર. દીવથી અમારા સંવાદદાતા બિપિન બામણિયા સાથે. ઉત્તર પ્રદેશથી સાયકલ યાત્રા પર નીકળેલા ત્રણ યુવાનો ચારધામ બાર જ્યોતિર્લિંગ યાત્રા અને દેશભરમાં નશામુક્ત ભારત બેટી બચાવો પર્યાવરણની જાળવણી માટેનો સંદેશો લઈને પહોંચ્યા દીવ. દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સપનું છે કે મારા દેશને નશામુક્ત ભારત બનાવવા બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ પર્યાવરણની જાળવણી કરી દેશના યુવાનોને સશક્ત બનાવી આત્મનિર્ભર બનાવવાના અથાગ પ્રયત્નશીલ રહી દેશનો સર્વાંગી વિકાસ થાય તે હેતુથી વિવિધ યોજનાઓ દ્વારા સમાજને એક સરળ રાહ ચીંધી રહ્યા છે. ત્યારે ઉત્તર પ્રદેશથી સાયકલ યાત્રા પર નીકળેલા ત્રણ યુવાનો દિનકરદાસ અયોધ્યાથી, જ્વાલાસિંહ કનોજથી અને તેજસ્વી ઉપાધ્યાય બનારસ વારાણસીથી ચારધામ બાર જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા અને દેશભરમાં નશામુક્ત ભારત બેટી બચાવો પર્યાવરણની જાળવણી માટેનો સંદેશો લઈ અને સોમનાથથી દીવના ફુદમ ગામે પાંચ પાંડવ સ્થાપિત ગંગેશ્વર મહાદેવના શરણે પહોંચ્યા હતા. પાંચ પાંડવ સ્થાપિત ગંગેશ્વર મહાદેવના શરણે શીશ ઝુકાવી સમુદ્રની ગંગારૂપી લહેરો દ્વારા પાંચ શિવલિંગો ઉપર જલાભિષેક નિહાળી અને મહાદેવના દર્શન કરી ભાવ વિભોર થઈ ગયા હતા અને સમાજના દરેક લોકોને કોઈપણ જાતનો નશો ન કરી બેટી બચાવો અને પર્યાવરણની યોગ્ય જાળવણી કરાવી અને કુદરતને આપેલા પવિત્ર શરીરની યોગ્ય જાળવણી કરવા માટેનો સંદેશો લઈ દીવ પહોંચી ગંગેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરી આનંદિત થયા હતા. બિપિન વામણિયા, દીવ બ્રેકિંગ ન્યૂઝ, દીવ. નમસ્કાર, મેરા નામ દિનકર દાસ હૈ ઓર મેં બૈસુપાલી અયોધ્યા કા નિવાસી હું ઓર હમારી યાત્રા કા ઉદ્દેશ્ય હૈ નશા મુક્તિ ઓર પર્યાવરણ સંરક્ષણ. છોટે છોટે બચ્ચે બૂઢે સબ નશા કરકે સડકો પર લોટતે હૈ, ઉનકો દેખ કર અંતઃકરણ મેં બડી પીડા હોતી હૈ. ઇસી પીડા સે દ્રવિત હોકર અખિલ ભારત સાયકલ યાત્રા કે માધ્યમ સે જન જાગરણ કરને કા પ્રયાસ કર રહે હૈ. और हम सभी से भारतवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस यात्रा को सफल बनाएं और नशा का त्याग करें और भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण करें, क्योंकि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा. मनुष्य के भीतर देवत्व का उदय तभी होगा और धरती पर स्वर्ग का अवतरण तभी होगा जब नशे जैसी चीजों का परित्याग करेंगे. हम 12 जनवरी अयोध्या से निकले हैं और मध्य प्रदेश और अभी गुजरात आए हैं, यूपी मध्य प्रदेश गुजरात, अभी यहां से तमिलनाडु केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा मिजोरम और नागालैंड अरुणाचल प्रदेश इत्यादि का दर्शन करेंगे. इसी के बीच में चार धाम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे और इस प्रकार से हम जन जागरण का कार्य कर रहे हैं. भारत माता की जय. मेरा नाम ज्वाला सिंह चौहान, मैं उत्तर प्रदेश कन्नौज से निकला हूँ. भारत के चार धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहा हूँ और हमारा उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि आजकल के लोग अपने गर्भ में ही बेटियों को मार देते हैं. तो ऐसा नहीं करना है, बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को बचाना है. बेटी ही माँ है, बेटी ही बहन है, बेटी ही भाभी है, बेटी ही चाची है, सब कुछ बेटी है. बेटी से आगे ले जाना है, बेटी बेटी को बचाना है. मैं गंगेश्वर महादेव, बाबा के दर्शन आज हो जाएंगे, बाबा के दर्शन कर लिए हैं, काफ़ी अच्छा लगा. बाबा के दर्शन पा के धन्य हो गए आज हम. पांच पांडव यहाँ पे स्थापित हैं, जो कि यहाँ पे आके हमको पता चला, हमने तो रील पे देखा था, पर बाबा हमारे तो भारत के चार धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा थी, पर बाबा की ऐसी महिमा है कि बाबा ने हमको यहाँ पर खींच लाए. तो बाबा खींच लाए तो बाबा के आज हमें दर्शन प्राप्त हो गए, तो काफ़ी आज हम धन्य हो गए, आनंद हो गया, आज काफ़ी अच्छा लगा. जय जय भोलेनाथ, जय जय श्री कृष्णा. सबसे पहले मैं भोले बाबा के चरणों में नतमस्तक होकर उनको हृदय से लगाता हूं, क्योंकि भोले बाबा की कृपा से ही आज मैं गंगेश्वर महादेव का दर्शन कर पा रहा हूं. और मैं सभी भारतवासियों से ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी डिस्कस कर रहा हूं कि ये मेरी भारत यात्रा, साइकिल यात्रा, अखिल भारतीय साइकिल यात्रा, परम आदरणीय दिनकर दास महाराज जी के विचारों को मैंने यूट्यूब पर देखता रहा दिनकर दास साइकिल यात्रा से. और मैं शांति कुंज हरिद्वार में रहा और इनके संपर्क में 1 से 1.5 महीने कंटिन्यू में बात करता रहा. लेकिन दिनकर दास एक 24 साल का बालक, जो कि इतनी बड़ी संकल्प ले करके भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को, अभी तो अखिल भारतीय साइकिल यात्रा का उद्देश्य लिए है नशा मुक्ति अभियान, लोगों को नशा से बचाना है. ये उसी का कर्म हो सकता है जो भगवान की प्रेरणा को मानता है. मान के चलिए कि भगवान की साक्षात कृपा है इनके ऊपर, स्वामी जी के ऊपर, आदरणीय दिनकर दास स्वामी को मैं पहले चरणों में इनके नतमस्तक होता हूँ, पहले शंकर भगवान को, उसके बाद वर्तमान स्थिति को देखते हुए इनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ. क्योंकि इनका विचार है कि भारत के हर एक युवाओं को, हर एक लोगों को नशा से मुक्ति कराना है. एक तो भगवान ने शरीर दे दिया और शरीर की सुरक्षा करने का यदि संकल्प कोई लेने वाला है भारत लेवल पे, तो दिनकर दास भाई. भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अरे अर्जुन, अरे तेरे जीवन के पंच तत्व के जो शरीर बनी है, इसकी सफलता कब होगी पता है? अरे जब अच्छा खाओगे,
नशा मुक्त रहोगे। शरीर की जो पंच तत्व है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसमें गंदगी नहीं डालना, इसमें गलत चीजें मैले कुचले नहीं डालना है। व्यक्ति जो गुटखा सर खाता है वो पता है किससे बनता है, विभिन्न प्रकार की शरीर के अपशिष्ट पदार्थ जो निकल करके गटर में जाता है हैदराबाद में, और उसे विभिन्न प्रकार के केमिकल डाल करके उसको पाउडर फार्म में बना करके उसको सोलिड बनाया जाता है, उसके बाद वो तंबाकू बोला जाता है, गुटखा बोला जाता है, उसे रजनीगंधा बोला जाता है, वो बॉडी में डाल दिया जाता है, जबकि वो पॉइजन है। भगवान ने शरीर पॉइजन खाने के लिए नहीं बनाया है, इसको सात्विक प्रवृत्ति के तरीके से मतलब मैनेज करने के लिए बनाया है। तो युक्ताहार, अच्छा भोजन करो, युक्ताहार विहार से जब अच्छा खाओगे तो अच्छे जगह जाने का मन करेगा, अच्छी यात्रा करने का मन करेगा, अच्छा विचार आएगा। तो जब अच्छा खाओगे तो अच्छे जगह जाओगे, और जब अच्छे जगह जाओगे तो फिर युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो भगवान कहते हैं वहां पे अच्छा अच्छा कर्म करना चाहोगे, भगवान कृष्ण बोले। और जब अच्छे कर्म करोगे तो फिर क्या होगा, युक्त स्वप्नावबोधस्य, जीवन में एकदम उत्साह होगे कि शरीर की सफलता कब होगी, मनुष्य जीवन की सफलता कब होगी, सार्थकता कब होगी, लक्ष्य कब प्राप्त होगा, जीवन का उद्देश्य कब पूरा होगा, इसके लिए एक श्लोक के माध्यम से बोले। क्या बोले, युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योग भावति दुःखः, योग भावति दुःखः।